नमस्ते दोस्तों, मैं मृदुला तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मधु जी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ ऐसा नाश्ता कि बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी पसंद है, बुजुर्गों को भी पसंद है और जल्दी हो भी जाता है। आज हम बनाएंगे आलू सैंडविच। ये इतना इजी नाश्ता है कि बच्चों को लंच में भी आप दे सकती हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर बन भी सकता है और टेस्टी भी है। तो चलिए इसे अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने बॉइल्ड आलू ले लिया है और इसको अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ पे हमने प्याज बारीक बारीक काट लिया है और साथ में हरी मिर्च काट लिया है, धनिया की पत्ती काट लिया है। चलिए दोस्तों, अब तेल गरम हो चुका है। अब चलिए ये आलू जो मैश कर रखी हूँ इसको फ्राई करते हैं। इसके लिए डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई, और ये कटे हुए प्याज डालेंगे। दो प्याज काट रखी हूँ। अब इसको पहले भून लेंगे, जब प्याज ब्राउन हो जाएगा एकदम से तब आलू डालेंगे इसमें। अब देखिए ये प्याज भून के तैयार हो गया। अब इसमें डालते हैं मैश किया हुआ आलू। और इसे खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए मेरा आलू खूब अच्छी तरह से भून चुका है, एकदम ब्राउन कलर का हो गया है। और इसमें कटे हुए धनिया भी मिला दी हूँ। अब इसका बनाएंगे सैंडविच। चलिए दोस्तों, अब इसको ब्रेड पे लगा के बनाते हैं। अब इस पे इसको रख देंगे। अब इस पे घी लगा देंगे हल्का हल्का। दोनों तरफ से अब हम रखते हैं टोस्टर में। अब इसको बंद करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको खोलते हैं। देखिए मेरा सैंडविच बनके तैयार है। देखिए दोस्तों, मेरा सैंडविच बनके तैयार हो गया है और आइए आप लोग भी खा लीजिए और चटनी के साथ बहुत मस्त लगेगा। अब ये बन के तैयार हो गया है और इसको आप चाय के साथ खाइए या चटनी के साथ खाइए, बहुत स्वादिष्ट टेस्टी लगता है और क्रिस्पी भी होता है। और इसको आप लोग भी ट्राई करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और आगे भी लोगों को शेयर कीजिए कि लोग सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।